क्या बात दीदी, अब तो पुलिस दोस्तों अभी सालाना पर कोई वारदात हुई है। सर क्या बात दीदी, बात ही हुई है क्या? ये दुकान लूटी है क्या? क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? दुकान में लूट मौज करी है, अट्टे चलाए किसने? अट्टे चलाए तो खिलाड़ी की दुकान जाकर लगे, ये खिलाड़ी के निशाने गलत नहीं है पैसे का। मेरी दुकान तो वही है, ये लाठी भाटी ये सब दुकान साफ करो, मेरा कुल्हाड़ी पड़ी होती सब तोड़ डाल दिए। और बड़े अब्बा की मतलब हमारे बड़े अब्बा की दुकान है, संभाल लो हमला से पता करते हैं सर, कुल्हाड़ी के निशान ये रहा। यार किसने किए मारपीट, किसने किए? ये अपने ये मीलाल के काशी है, ये रहे सर कुल्हाड़ी के निशान इधर है। किसने? ये रहे सर, देखो देखो ये देखो इधर लाओ, देखो ये रहा, हटो हटो हटो, ये रहा ये रहा कुल्हाड़ी का, ये रहे सर निशान, देखो कुल्हाड़ी का, गाड़ी की अगर हाथ में खड़ा होता मर जाता। देखो इधर आओ सर, गाड़ी तो गाड़ी पर सर, इसमें देखो कुल्हाड़ी दी थी, इसमें कुल्हाड़ी दी है। देखो मैं दुकान साफ कर रहा था, मेरे पड़ी कुल्हाड़ी, ये रहा निशान, देखो ये रहा, देखो निशान कुल्हाड़ी, एक एरिया घटना के कुल, ये घटना क्या हुई थी, क्या बात हुई थी? दारू पी के यहाँ लूटपाट करी सर, गल्ले को लेके सर, हमारे को कौन लेके गए? देखो गाड़ी खड़ी है, देखो सब गाड़ी खड़ी है, देखो उसको कैसे खंजर कर दिया गाड़ी। और कुल्हाड़ी किसके लगी, लगी किसके थी? हॉस्पिटल में भर्ती है, दो तीन को तीनों चाहे हॉस्पिटल में भर्ती है, दोस्तों कुल्हाड़ी से बाल करके यहाँ कुल्हाड़ी से बाल किया गया। ये कुल्हाड़ी के बाल देख रहे हैं दुकान पर, और ये सब्जी की बुजुर्ग के लगी थी, किसके लगी? लगी एक बुजुर्ग के सर पे लगी थी कुल्हाड़ी, एक लेडीज से लगी हॉस्पिटल में। गाड़ी को ले, गाड़ी को दोस्तों देख रहे हैं अभी ये गाड़ी में भी कुल्हाड़ी से बाल किया है, और ये शीशे देखो कुल्हाड़ी आगे भी यहाँ डायरेक्ट कुल्हाड़ी से बाहर गया, जैसे ही गाड़ी छोड़ के गई डायरेक्ट उन्होंने कुल्हाड़ी से मारा। कौन लोग थे ये पता नहीं, कुल्हाड़ी हाथ में थी, डंडे थे, और हम तो इधर से आए थे। कितने लोग थे? कम से कम 15-16 लोग थे डायरेक्ट कुल्हाड़ी से मारा उन्होंने। हमने बोला मैं कि रुको क्या बात है, तो जैसे ही हमारे ऊपर भी वार करने लग गए उन्होंने, जैसे कुल्हाड़ी से और लट से दोनों से गाड़ी में, और कई लोग जैसे काउंटर वाउंटर सबको फेंक दिया और सबको कुल्हाड़ी मारने लग गए। कोई जो हाथ पड़ रहा था, कोई राहगीर चलता उनके ही मार रहे थे। कितने लोग थे ये? 15-16 लोग थे दोस्तों देख रहे हैं, ये कुल्हाड़ी से यहाँ पर भी गाड़ी पर भी वार किया है, जैसे तैसे जान बचा के भागे थे हम तो। और चोट के कौन कौन को लगी थी? हमारे चोट नहीं आई थी, वो वैसे दिया था उन्होंने, इसमें गाड़ी में दिया था, पीछे की साइड दिया था, और काफी मोटरसाइकिल में चल चलते उन्होंने सबके ही मारा था, जैसे तैसे हम लोग गाड़ी छोड़ के भाग। दोस्तों शराब के नशे में कुछ युवकों ने हमला किया है, और सब्जी विक्रेता से भी मारपीट की है, और ये गाड़ी वालों के भी साथ मारपीट की है। पदम जी ये जो गाड़ी है ना, मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी है ब्रजलाल जी की जी, जो पीलोदा के रहने वाले हैं, टारगेट करके मारने कोशिश की उनकी गाड़ी है। और पहले तो घटनाक्रम उन्होंने लूटपाट वहां करी थी, इत्तेफाक से उसी समय ब्रजलाल जी आए हैं, और फिर ये अब आप देख लो। और अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है इतना। हाँ नहीं मानिए डिप्टी साहब भी मैं आया हूँ जी, मौके पर डिप्टी साहब भी पहुँच चुके हैं, कोई सब्जी वालों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही दिखा रहे हैं वही। अब आप लोग जाओ, चलो चलो चलो, माहौल खराब हॉस्पिटल चलते हैं। देखो क्या है, आप जो भी तो मैंने वो क्या करना थी, सफेद पर
दोस्तों उदय मॉल के थाना प्रभारी जी भी पहुंच चुके हैं। जी क्या कर रहे थी? घटना तो ये थी, हम तो रास्ते में आ रहे थे जी, तो यहाँ पे 5-6 बदमाश थे, वो दुकानदारों से झगड़ा कर रहे थे जी। तो हमने गाड़ी रोक के और मैंने बचाने का प्रयास किया, तो दुकानदारों को मारते हुए झगड़ा करते हुए कुराड़ी से वार करते हुए मेरी गाड़ी पे भी वार करी, उन्होंने गाड़ी तोड़ दी। कितने लोग थे? 5-6 जने थे। कौन थे, कौन लोग थे? नहीं ये मेरे को पता नहीं कौन थे, मैं एक दो को शकल से जानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता किसी को। कुछ लोगों को चोट भी आई है? पहचान लूंगा। कुछ लोगों को चोट भी आई है दुकानदारों को? हाँ चोट आई है, एक दो लोगों को चोट आई है, नुकसान भी किया। आप देखो बचाने के चक्कर में मेरे जैसे आदमी की गाड़ी तोड़ दी, तो किस तरह का आतंक है गंगापुर में। मैंने डिप्टी साहब को फोन किया, तुरंत ही यहाँ पे गश्त की गाड़ी आ गई, डिप्टी साहब आ गए। गाड़ी पे भी कई कुल्हाड़ी के चोट के निशान है, शीशे भी तोड़ा है। दोस्तों ये ब्रजलाल जी किरोदे वालों की गाड़ी है और इस पर भी बाल किया है लोगों ने, और यहाँ भी इस जगह भी ये कुल्हाड़ी से बाल किया है। दोस्तों ये सालादा चौराहे की घटना है, पहले सब्जी विक्रेता वालों पर कुल्हाड़ियों से बाल किया, फिर बाद में जब बीच बचाव करने आए ब्रजवाल जी तो उनकी गाड़ी पर भी हमला किया है। दोस्तों अभी सालादा पर घटना हुई है, लूटपाट की घटना हुई है, आइए जो दुकानदार है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान खान है साहब। क्या वारदात हुई थी? सब कुछ लोग आए थे, 8-7 लोग थे, एक तो करौली का रवि था, खेली का रवि था, करौली का काशीराम मीणा था, और भी 2-3 लोग थे उन्हीं के साथ के, जिनके हाथों में बंदूकें थी और किसी के हाथ में धारदार हथियार थे, लठिया थी। उन्होंने आते मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरा गला छीन लिया, एक ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कुल्हाड़ी से बार करा, मैं कुल्हाड़ी के बार से तो बच गया, मेरे उसमें पड़ी थी क्या कहते तराजू बाट में, और उन्होंने 2-3 बार भी करे, फिर मेरी अम्मी आई, मेरे बड़े पापा आए, उन्होंने फायर भी करी है, उन्होंने ये देखो दोस्तों देख रहे हैं एक कुल्हाड़ी का धारदार हथियार का निशान है, और उन्होंने फायर भी करे थे 2-3, और चोट कौन कौन के लगी? मेरे बड़ी मम्मी के, क्या नाम? मेरी मम्मी के चोट लगी है, हाथ में कुल्हाड़ी का वार करा है, और जो एक के सर में लगी है, मेरे बड़े भाई साहब उनके भी लगी है। नवाब भाई कहाँ पड़ती है वो? बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल। चलिए दोस्तों अब सरकारी अस्पताल में भी जो घायलों को चोट लगी है उनको भी दिखाया जाएगा, और फिलहाल पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है और माननीय डिप्टी साहब भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और उदय मोड़ थाना प्रभारी बैसला जी भी पहुंच चुके हैं, और लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है यहाँ, इस तरह की लूटपाट होना मेन चौराहे पर बड़ी शर्म की बात है। तो ग्रो आया है डकैती के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। हाँ पूरा बता दो, और पुलिस की गाड़ी भी चलो अब घर जाओ, आर एस सी की दुकान भी गंगापुर सिटी की मेन सालादा चौराहे की घटना है दोस्तों, और आर एस सी के जवान भी मौके पर पहुंच चुकी है।
अब शालादा से आपको जो घायल हुए उनको दिखाया जाएगा। लाइव चला रहा हूँ मैं, घंटी करो देखो। आर एस सी के जवान भी पहुंच चुके हैं। मैं